क्लेश हाल काल में होने वाला कुछ घटनाओं देख रहा था। आज हम तीसरा विश्व युद्ध के बारे में, उसको बाइबल का भाषा में कहा है अर्मगेदोन, लड़ाई, अर्मगेदोन युद्ध। पिछले शताब्दी में दो विश्व युद्ध दुनिया देखा हुआ है, भविष्य में इसे भी बहुत भयानक एक लड़ाई होने वाला है। अभी हम जानते हैं इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई चालू है। कुछ लोग ऐसा पूछता था, क्या ये अर्मगेदोन युद्ध में लेके जाएगा क्या? एक बात, ये युद्ध शायद इसके बाद और युद्ध होगा। जब तक मंडली इधर है, ऐसा एक विश्व युद्ध यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए नहीं हो सकता। मंडली चले जाने के बाद ही, वो भी 7 साल का क्लेश काल का आखिरी में, ऐसा एक भयंकर युद्ध होने वाला है। अभी हम वचन से कुछ भाग पढ़ने के बाद मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 12 से 16 तक हम पढ़ेंगे। राकेश भाई पढ़ सकता है, नहीं है तो मैं पढ़ूंगा। जी ब्रदर 16 का रेवलेशन चैप्टर 16:12-16। जी। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मिगदोल कहलाता है। प्रकटीकरण का पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में, रेवलेशन में कई युद्ध के बारे में बताया। ये क्लेश काल का आखिरी में होने वाला युद्ध है अर्मगेदोन 20:7 में। 1,000 साल के बाद आखिरी लड़ाई होगा, आखिरी युद्ध होगा। 1,000 साल यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करने के बाद 20:7 जब 1,000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8वीं पढ़िए। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालों के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। इसके बारे में बाद में हम एक दिन पढ़ने वाला है, इसलिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ये दोनों लड़ाइयों के बीच में 1,000 साल का अंदर है।
अर्मोदन युद्ध 1000 साल का राज्य शुरू करने से पहले, क्लेश काल का समाप्ति में, ये 20 का 7 में हमने जो पढ़ा है, आखिरी युद्ध, ये 1000 साल पूरा होने के बाद, इसलिए आखिरी में दो भयंकर युद्ध होने वाला है। और ये प्रकाशित वाक्य में दूसरा युद्ध के बारे में भी हम पढ़ते हैं। नौवा अध्याय में हम ऐसा एक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जगत का, आबादी का एक तिगाई खत्म हो जाए, ऐसा एक लड़ाई नौवा अध्याय में लिखा। आज हम उसके बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, और इस भाग में हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान लगेंगे। पहला बात है, जो जगह में ये युद्ध होने वाला है उस जगह का नाम है अर्मगिदोन। इसका अर्थ है, अर्मगिदोन का अर्थ है माउंटेन ऑफ मेगिदो, माउंटेन ऑफ मेगिदो इसका अर्थ है, मेगिदो पगार, इसके तराई में ये लड़ाई होने वाला है। इसका दूसरा नाम हम जोएल का पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका तीसरा अध्याय है, मैं सारे जगत का लोगों को यहोशाफात का तराई में लेके आऊंगा। हम थोड़ा वो कलम देखेंगे, जोएल 3 का दूसरा कलम, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशाफात की तराई में ले आऊंगा, सारे जगत के लोगों को। इसलिए मैं बोला ये एक विश्व युद्ध है, और इसलिए दूसरा नाम है इस जगह का एहोशाबाद का तराई। और आज इस जगह का नाम है जसरील तराई, जसरील तराई। और इसके बारे में योएल 3 का 14 में लिखा है, 14 में लिखा है, निर्णय की तराई, नहीं ये तो निबटारे तराई, वैली ऑफ डिसीजन। इधर आया हुआ सारे लोगों का भविष्य के बारे में निर्णय होने वाला है, और इसराइल का भविष्य के बारे में ईश्वर उनको सारा शत्रुओं से बचा के अपने देश में शांति के साथ जीने के लिए माफ के देगा। इसलिए पहला इस जगह का नाम है अर्मगेदोन, अर्मगेदोन इंग्लिश में अर्मगेदोन लिखा है, अर मतलब पगाड़, मेगिदो वो तराई का नाम है। दूसरा बात हम इधर से देखते हैं, उसका समय, ये कब होने वाला है। मैंने बोला ये क्लेश काल का, ट्रिबुलेशन का आखिरी में होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ओलिव पगाड़ के ऊपर प्रकट होने वाला है, ये लड़ाई का समाप्ति में।
यीशु ही इस लड़ाई का समाप्ति करने वाला है। यीशु इस ओलिव पगड़ के ऊपर प्रकट हो जाएगा। हम सकरिया 14 का 4 में पढ़ते हैं, ओलिव पगड़ दो भाग बन जाएंगे, बहुत बड़ा भूकंप होगा, ओलिव पगड़ दो भाग बन जाएंगे। यीशु मसीह वापस आ गया कैसा लोगों को मालूम पड़ेगा, ये एक चिन्ह है। ओलिव पगड़ दो भाग बन जाएगा, हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह जब वापस हो जाते हैं उस समय ये लड़ाई होगा। काफी समय से लोग उधर इकट्ठा होता होगा, इनका भविष्य के बारे में निर्णय प्रभु खुद करने वाला है। इसलिए सामने क्लेश काल का आखिरी में, क्लेश काल का आखिरी में ये लड़ाई होने वाला है। ये लड़ाई पूरा होने के बाद यीशु अपना राज्य का स्थापना करेंगे। इसलिए मैं बोला 1000 साल का राज्य शुरू होने से पहले एक लड़ाई है, और ये 1000 साल का राज्य पूरा होने के बाद दूसरा एक लड़ाई हो। इसलिए दो लड़ाई भविष्य में होने वाला। ये क्यों है लड़ाई, ये अर्मगेदोन लड़ाई का युद्ध का क्या जरूरत, क्या के लिए लड़ाई। हम जकरिया का पुस्तक 12:2 पढ़ेंगे, 2 और 3 पढ़ेंगे। दो में लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लटकड़ा देने वक्त के मत का कटोरा ठहरा दूंगा। ये एक कटोरा जैसा है, उसमें दाक मधु है, वो पीने के बाद लोग कैसा चलता है वैसा होगा। यरूशलेम की चारों ओर की सब जातियों के लोग, तीसरा कलम में हम लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसके इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होगा। ये यरूशलेम के लिए है। अभी आप थोड़े दिनों से सुनता होगा जो फलस्तीन में जो इसराइल का लड़ाई चालू है, अलग अलग दुनिया का शहरों में बैठ के लोग क्या बोलते हैं। लोग इसराइल के विरुद्ध में ऐसा बोलते हैं, उन लोग दूसरे लोगों का जमीन को कब्जा करके रखा है, और ये यरूशलेम फलस्तीन को वापस देना, यरूशलेम फलस्तीन का कैपिटल बना। और बहुत लोगों को इसराइल का इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं। इसराइल का इतिहास कहाँ शुरू हो गया, इन लोग कैसे दुनिया की 80 राज्यों में फैल गया, AD 70 में उनको उधर से भगाया, उन लोग दूसरे राज्यों में जाके उधर आश्रय लिया, 1948 में उन लोग अपने देश में वापस आए। ये उनका ही देश, और ये
3000 साल इतिहास उसके साथ जोड़ा हुआ है। ईश्वर उनको दिया हुआ जगह है इसराइल, इसलिए उन लोग किसी का जमीन को कब्जा करके दूसरे के जगह में रहने वाला नहीं है। इसलिए इतिहास जानने के बिना लोग इसराइल के विरुद्ध में बहुत कुछ बोलते हैं। इधर इन दिनों में यरूशलेम के बारे में कितना लोग बोलते हैं, भविष्य में भी यरूशलेम एक मुख्य विषय होगा। यरूशलेम के लिए लोग लड़ाई करेंगे, कुछ लोग उसके अनुकूल में होगा, कुछ प्रतिकूल में हो। कुछ लोग बोलेंगे यरूशलेम इसराइल का कैपिटल रहना है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। इसलिए अलग-अलग देशों में से लोग इकट्ठा होके इसराइल के विरुद्ध में यरूशलेम के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। चलिए, विषय है यरूशलेम होगा, इसराइल होगा, यहूदा लोग, यहूदा का लोग उनके लिए है ये तीसरा विश्व युद्ध। और इधर हमने जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ा है, उधर ये युद्ध का एक नाम है। ठीक है, वो जगह का नाम अलग है, युद्ध का नाम क्या है, और 16 का 14 कलम 14 का आखिरी में हम ऐसा पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई। क्या नाम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई, ये ईश्वर के साथ लड़ाई। दुनिया में बहुत लड़ाई, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ। इधर सर्वशक्तिमान ईश्वर का उस दिन का लड़ाई है, ईश्वर खुद इसराइल के लिए, इसराइल के शत्रु के विरुद्ध में ईश्वर खुद लड़ाई करने वाला। इसलिए इस लड़ाई का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस बड़े दिन की लड़ाई, बड़े दिन की लड़ाई। ऐसा एक लड़ाई भी देख लीजिए, ये 2000 साल पहले लिखा, और हम कितना नस्तिक, उस लड़ाई के पास कितना नस्तिक आ गए। चलिए, लड़ाई का नाम ये है। अभी हम देखेंगे इसमें भाग लेने वाले कौन कौन है। देखो बाइबल कितना स्पष्ट बोलते हैं, अभी जो भाग हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 16 का 12 में हम ऐसा पढ़ते हैं, चट्वे ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल किया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा से राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। कौन है इसमें पार्टिसिपेट लेने वाला है? पूर्व दिशा से राजाओं, चाइना इंडिया ऐसा देश के बारे में शायद होगा, इधर लिखा नहीं है। और उन लोगों को आसानी से क्रॉस करके यूफ्रेटिस नदी सूख जाने के कारण इसराइल में पहुंच सकते हैं। और वो फरात नदी सूख जाएगा, योर रिवर यूफ्रेटिस इजिप्ट से जाते हुए नदी है, और ये नदी सूख जाएगी। और पूर्व देश से और देशों में से राजाओं लड़ाई के लिए आएगा।
और इसमें और कौन भाग लेने वाला है? 14 कलम में लिखा है, सारे संसार के राजाओं, सारे संसार के राजाओं, हमने जोएल तीसरा में क्या देखा? सारे जगत के लोग यरूशलेम के खिलाफ में इकट्ठा हो जाए, सारे जगत का लोग। इधर लिखा है सारे राजाओं इस लड़ाई के लिए इकट्ठा हो जाए, इसलिए इसको बोल सकते हैं विश्व युद्ध। और अभी भी अभी जो लड़ाई चल रहा है, कुछ देश इसराइल को सपोर्ट करते हैं, दूसरे बहुत राज्य ऐसा है, देश ऐसा है इसराइल के खिलाफ में है, हमास को सपोर्ट करने वाला है। और इधर ये केरला ऐसा कोई एक छोटा स्टेट में भी कितना रालियम हुआ है, और वो सब रालियम इसराइल के खिलाफ में है, और ये हमास का भाषा क्या है, क्या उन लोग बोलते हैं कोई ध्यान नहीं रखते। उन लोग क्या चाहते हैं? दुनिया में यहूदी नहीं होना है, कोई क्रिश्चियंस नहीं होना है, उनके लोगों के सिवाय दूसरा कोई इधर नहीं होना, सबको नाश करना है। ऐसा भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को सपोर्ट देते हैं। और आखिरी में परिणाम क्या निकलेगा? सारे दुनिया का राजाओं इसराइल में इकट्ठा हो जाए और यरूशलेम के लिए। और दूसरा उसका कारण, एसेकियल का पुस्तक 38 अध्याय में लिखा है, उनका धन दौलत को लूटने के लिए, सोना चांदी को लूटने के लिए आएंगे। देखो लड़ाई का एक एक उद्देश्य होगा दूसरे देशों का संपत्ति को लूटना। हम समझते हैं इसराइल इतना एक धनी राज्य है, और उधर ये बहुत धन इकट्ठा करके रखा, उसको लूटने के लिए आएंगे। वो एसेकियल 38 में लिखा है, अभी उसमें हमको जाने के लिए समय नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे। आखिरी मैं इतना बोलना चाहता हूं, सारे राजाओं इसमें भाग लेने वाले, कुछ इसराइल के साथ होगा, कुछ लोग इसराइल के विरुद्ध में हो, और कुछ लोग इसराइल को नाश करने के लिए यरूशलेम को पकड़ने के लिए, और इसराइली लोगों को उधर से भगाने के लिए, और ये यरूशलेम का आधा लोग उधर से भाग जाएंगे उस समय, जब यीशु वापस आते समय में आधा लोग उधर नहीं होगा, उनको यीशु ढूंढ के लेके वापस आएंगे, वापस लेके आएंगे। इसलिए इसमें भाग लेने वाले सारे दुनिया का सारे लोग, सारा राजाओं, सारा लीडर्स इसमें भाग लेने वाला। अभी हम यूफ्रेटिस नदी के बारे में लिखा है, इसलिए लोकेशन उस एरिया में जो इजिप्ट से ये नदी बहती है, वो नदी सूख जाने के कारण उनको क्रॉस करके आने के लिए सुविधाएं मिल जाए। और इस लड़ाई के पीछे शैतान का कितना योजनाएं है, देखो हम इधर पढ़ते हैं, तीन दुष्टात्माएं
16 अध्याय का 13 से लेके, और मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से, झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, सारे संसार के राजाओं के पास निकल इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। इन लोग कैसा इकट्ठा होता है? ऐसा दुष्ट आत्माएं उनके पास जाके उनको चढ़ाएंगे, तुम भी जाओ तुम भी जाओ, ऐसा आखिरी में उन लोग उधर पहुंच जाए। भी इधर से एक बात हमको समझने का है, दुनिया में दो भयानक शक्तियां काम करते हैं। एक है ईश्वर का शक्ति है, वो सबसे ऊपर है। दूसरा एक शक्ति है, वो दुष्ट आत्माओं का शक्ति, मनुष्य गलती करने में, पाप करने में, अशुद्ध जीवन जीने में दुष्ट आत्माएं उसको प्रेरणा देते रहते। और इधर इस लड़ाई के लिए जो जाना नहीं चाहते हैं ऐसा लोगों को भी वो प्रेरण थक्का देगा, तुम भी जाओ तुम भी जाओ, ऐसा सारे जगत के राजाओं इकट्ठा हो जाए। चलिए, लड़ाई के पीछे शैतान का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं ऐसा लोगों को भी ये चढ़ाएंगे, उनको उधर पहुंचाए। और 15 कलम में हम देखते हैं, इसके बीच में यीशु कहते हैं, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है। ऐसा इसराइल बहुत भयंकर तकलीफ में आ जाएगा, इतना बड़ा फोर्सेस पूरा यरूशलेम में आ जाएगा, इसराइल में आ जाएगा, बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। ऐसे समय में यीशु मसीह वापस आएगा। ये जकरिया का पुस्तक 12:10 में हम ऐसा पढ़ते हैं, जकरिया 12:10, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडे लूंगा, वे मुझे थाकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। पिछले 2000 साल से मेजोरिटी ऑफ द जूस, नॉट ऑल द जूस, मेजोरिटी ऑफ द जूस, हम समझना है नया नियम यहूदी विश्वासियों के द्वारा लिखे मिला है, और मंडली का शुरुआत में विश्वासी लोग ज्यादा यहूदी थे, और उनमें से बहुत लोग विश्वास नहीं किया, थोड़े लोग विश्वास किया, आज भी ऐसा भी है, उनमें कुछ लोग है यीशु को अंगीकार किया, उनको तारनार तरीके स्वीकार किया, उनका बलिदान को स्वीकार किया, ऐसे लोग उधर है। फिर मेजोरिटी अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया, पहचाना नहीं है। दूसरा एक तकलीफ भी उधर है, उन लोग अपने धर्म में भी विश्वास नहीं करते, उनमें से बहुत लोग नास्तिक है, और उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
उन इधर लिखा है, अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलुम का, प्रभु उनके ऊपर ऐसा एक काम करने वाला है और उन लोग मसीहा को पहचानेंगे। दे विल लुक अनटू हिम हुम दे पियर्स्ड, उन लोग जिसको वेदा किया है उनको देखेंगे, उनको पहचानेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। आखिर में उन लोग प्रभु को देख के बोलेंगे, हमको इस खतरा से बचाओ, हम खुद बच नहीं सकते हैं, और प्रभु से प्रार्थना। उस समय यीशु मसीह वापस आएंगे। जैसा मैं थोड़े समय पहले बोला, कैसा लोगों को मालूम है यीशु आ गया, बहुत बड़ा एक भूकंप होगा, ओलिव पगाड़ दो भाग बन जाएगा, जब यीशु मसीह का पैर ओलिव पगाड़ को स्पर्श करेगा ये भट जाएगा, दो भाग बन जाएगा ओलिव पगाड़। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा, मसीहा आ गया है और प्रभु उनको बचाएंगे। और एसेकेल का पुस्तक 39 अध्याय 39 से हम कुछ कलम बढ़ेंगे, उधर उनका पूरा विजय के बारे में, इसराइल का पूरा विजय के बारे में, कैसा ये विजय उन लोग हासिल करेंगे उसके बारे में क्या लिखा है हम थोड़ा देखेंगे। 3-4 कलम बढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। एसेकियल चैप्टर 39, उसका 4 देखिए। मैं अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मारा डाला जाएगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मारा डालेगा, ये ईश्वर करेंगे। और उधर लिखा है 12 से लेके 14 तक, इसराइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश की शुद्ध करेगा। इतने लोग मरेंगे, 7 महीना लेगा, 7 सारा इक्विपमेंट के साथ, बहुत लोगों को ये काम दिया हुआ है, उन लोग 7 महीना लेगा सबको दफन करने के लिए। अनगिनत लोग उधर मर जाने वाले। ईश्वर इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व करने वाला, यीशु मसीह। जब इसराइली लोग प्रभु को पहचान के उनके लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका मदद करेंगे, ये प्रभु का योजना है। इसलिए आखिरी में ऐसा एक भयंकर लड़ाई होने वाला है। आज इसराइल इस लड़ाई में जीतेंगे, शायद आने वाला लड़ाइयों में भी जीतेंगे, हमको मालूम नहीं। फिर ऐसा एक समय होने वाला है, उन लोग कितना निस्सहायक है, उन लोगों का ताकत से, बुद्धि से, शक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। इतना भयंकर भीड़ उनके सामने आ गया है, यरूशलेम को कब्जा करने के लिए, उनको उधर से भगाने के लिए आए हैं। उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं रहे। उस समय इसराइल प्रभु को देखे रोएंगे। इसलिए अर्मगेदोन लड़ाई का परिणाम आखिरी में इसराइल का पक्ष में है, उन लोग विजय पाएंगे और प्रभु यीशु इस दुनिया में आएंगे, उन लोग प्रभु को पहचानेंगे। अभी रोमियो का पत्री में हम पढ़ते हैं, उनका
दिल से ईश्वर सारे अविश्वास को निकाल दें। पिछले 2000 साल से उन लोग यीशु को नहीं पहचाना है, जैसा है ना एक देश तरीके देखेगा, ऐसा एक समय जल्दी शीघ्र होने वाला है, इसराइल प्रभु यीशु को पहचाने। और इधर हमने जो देखा है चकरिया में, दे विल लुक अनटू हिम हुम दे पियर्स्ड, जिनको वैदा किया है उनको उन लोग ताकेंगे, पहचानेंगे। और पूरा आश्रय उन पर रखें, ये आखिरी क्षणों में होगा। और उसके बीच में उनमें से आधा लोग उधर से अन्य देशों में भाग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और जैसा है ना अभी फलस्तीन में जो हो रहा है, जैसा लोग उधर से भागते रहते हैं, और जैसा जैसा उनको वार्निंग मिलता है उसके अनुसार वैसा इसराइल में होने वाला है। फिर आखिरी में यीशु आके सारा शत्रुओं को नाश करेगा, और जो लोग बाहर चले गए उनको ढूंढ के लेके आएगा, और इसराइल पूरा विजय पाएगा। ये है आर्मगेदोन युद्ध, भविष्य में होने वाला बड़ा विश्व युद्ध, ये है इसका मुख्य रीजन, कारण है होगा इसराइल का, इसराइल के शत्रु काम करते समय हो आया, ऐसा एक भयानक समय आने वाला। फिर उस समय ईश्वर पर विश्वास करके उनके हाथों से उनको बचने का समय हो जाएगा। ये है विश्व युद्ध तीसरा, अर्मदोन युद्ध। और एक बार मैं वो समय के बारे में बताया, वो ध्यान में लाइए। ये अर्मदोन युद्ध क्लेश काल का आखिरी में होगा, ट्रिबुलेशन समय का आखिरी में होगा। और जो आखिरी युद्ध है 20वां अध्याय 7वां कलम में हमने देखा है, वो 1000 साल के बाद होने वाला है। इसलिए भविष्य में दो भयंकर युद्ध होने वाला है, एक यरूशलेम के लिए होगा, सारे दुनिया के लोग उधर आएंगे। इन दिनों में हम पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा यरूशलेम के बारे में काफी बातें सुनते रहते हैं, और उन लोग बोलते हैं यरूशलेम को फलस्तीन को दे देने का, उनका कैपिटल होना है, उनको एक स्वतंत्र राज्य बनने को देना है, ऐसा यरूशलेम के बारे में बोलते रहते हैं। ऐसा एक समय आएगा यरूशलेम के लिए, अलग अलग देशों में बैठ के बोलता है ऐसा नहीं होगा, सारे लोग उधर इकट्ठा हो जाएंगे, और यरूशलेम इसराइल को खत्म करने के लिए, यरूशलेम को कब्जा करने के लिए, और यीशु मसीह वापस आके उनका सारा कैलकुलेशन को, पूरा प्लान को भस्म करेगा, नाश करेगा, सारे लोगों को भी खत्म करेगा। ये है आने वाला भयंकर लड़ाई। और एक बार मैं बोलना चाहता हूं, उस समय हम इधर नहीं होगा, विश्वासी लोग इधर नहीं होगा, हम चले जाने के बाद ही ये लड़ाई होने वाला है, वो हमारे लिए एक आश्वासन का बात है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।